हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एसी एलईडी इंडिकेटर। इसके मल्टीपर्पज़ यूज़ हैं, आप जहां चाहें इसे अपनी इच्छा अनुसार अपनी ज़रूरत अनुसार लगा सकते हैं। ये हमारे पास तीन कलर में अवेलेबल हैं, जिसमें पहला कलर इसमें रेड, दूसरा ग्रीन और तीसरा येल्लो है, या आप उसे ऑरेंज भी कह सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएंगे electronicspices.com की वेबसाइट पर, और मैं आपको इसे एसी करंट पर चलाकर भी दिखाऊंगा। ये इंडिकेटर मोस्टली प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन आप इनका इस्तेमाल अपनी ज़रूरत अनुसार कहीं भी कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, उनके साइड्स में आप इनको करंट को इंडिकेट करने के लिए दिखा सकते हैं कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, या आप अपने मल्टीपर्पज़ यूज़ जो आपकी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप इनका कर सकते हैं। ये अभी फ़िलहाल हमारे पास तीन कलर में अवेलेबल हैं, लेकिन ये कई कलर्स में मौजूद होते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनका इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगा कि कैसे ये बहुत ही आसानी और बहुत ही सिंपल वे में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें आपको कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ नहीं करना है। इनको आप किसी भी बोर्ड में स्क्रू के ज़रिए टाइट भी कर सकते हैं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको रेड इंडिकेटर को डायरेक्ट एसी करंट में जलाकर दिखाऊंगा। इनका इस्तेमाल करंट को दर्शाने के लिए ही किया जाता है, करंट को इंडिकेट करने के लिए ही किया जाता है। ये मैंने दोनों इसके वायर लगाए, ना कोई प्लस ना कोई माइनस, सीधा एसी करंट में आप इसके कोई भी वायर को डालिए और स्विच को ऑन करिए, ये करंट को इंडिकेट करेगा। आप इसे बोर्ड्स में लगा सकते हैं या आप अपनी ज़रूरत अनुसार भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ग्रीन इंडिकेटर ऑन हुआ, स्विच को मैंने ऑफ़ किया, वैसे ही ऑफ हो गया। ये करंट ऑन ऑफ होगा, ये उसको भी इंडिकेट करेगा। अब मैं येल्लो इंडिकेटर को आपको डायरेक्ट एसी करंट में जलाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। जहाँ भी आपको करंट दिखाना हो आप इनका प्रयोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आगे भी इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग करता रहूं और आप इन्हें अपने ज़रूरत अनुसार खरीद सकें और इसका यूज़ भी समझ सकें।